गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद राजधानी दिल्ली छावनी में बदल गई है। दिल्ली में पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ तैनात की गई है। हिंसा में लगभग 86 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, वहीं इस दौरान एक प्रदर्शनकारी किसान की मौत भी हो गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद 22 एफआईआर दर्ज किए हैं। ये एफआईआर दंगों से संबंधित कानून के तहत दर्ज की गई है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हथियारों के साथ सरकारी कर्मचारियों पर हमला करना शामिल है। दूसरी तरफ पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू पर लाल किले पर साजिश के आरोप लगाए गए हैं। 26 जनवरी को लाल किला की प्राचीर पर केसरिया झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को अब एनआईए ने तलब किया है। ये नोटिस सिख फॉर जस्टिस मामले में भेजा गया है। सिद्धू ने लाल किले की प्राचीर से पताका को पोस्ट करते हुए फेसबुक लाइव भी किया। वीडियो में सिद्धू ने पंजाबी में कहा, हमने विरोध जताने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लाल किले पर सिर्फ निशान साहिब का झंडा फहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस।